इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आ जाइए, ये रहा हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी कितने तरह से फंड रेज कर सकता है? तो यहाँ पे फंड रेज कर सकता है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, एंड उसके बाद डेब्ट से। तो इस तरह से फंड रेज किया जा सकता है तीन वे से, एक सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद डेब्ट। तो अभी हम लोग डेब्ट का कितना कॉस्ट होने वाला है कंपनी के व्यू पॉइंट से वो हम लोग देख चुके हैं। तो ये था हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेट, जो केडी, जिसे क्या बोला जाता था यहाँ पे, इसे बोला जाता था केडी। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना सीखेंगे, जिसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जैसे हम लोग डेब्ट का पर क्या है, उसमें क्या दो तरह का डेब्ट होता था, एक होता था इरिडीमेबल डेब्ट, दूसरा क्या होता था रिडीमेबल डेब्ट। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी दो तरह का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, दो तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है, एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा क्या होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि दो तरह का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता था, एक इरिडीमेबल एंड दूसरा क्या है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम लोग को दोनों ही देखना है। जब आगे आते हैं सम्स में, इसमें बुक में जब हम लोग आगे आते हैं तो उसमें क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या दे रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को केपी बोलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, या बोलो पी जीरो मतलब नेट प्रोसीड बोलो, या उस टाइम का मार्केट प्राइस बोलो, जो भी बोलना होगा बोल सकते हो। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए एक बार कॉपी में लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया। ये रहा हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें कौन सा प्रेफरेंस शेयर है इरिडीमेबल, इरिडीमेबल के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसे बोला जाता है केपी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पी जीरो, जहां पे पी जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी जीरो इज इक्वल टू नेट प्रोसीड। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पी जीरो। देखिए जब हम लोग करते थे इरिडीमेबल डेब्ट का, सॉरी हाँ इरिडीमेबल डेब्ट का था, तो हम लोग का केडी का फॉर्मूला क्या होता था, इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट के वजह से यहाँ पे क्या होता था टैक्स का सेविंग होता था, बट प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से तो यहाँ पे टैक्स का सेविंग नहीं होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट डिवाइड बाय वन माइनस टैक्स। फिर यहाँ हम लोग करते थे नेट प्रोसीड, और इस नेट प्रोसीड को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे पी जीरो। तो इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया, पी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पी जीरो। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, सेकेंड एक चेक कर लूँ। तो ये हम लोग का हो गया था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो था, बट कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड उसके बाद जो दे रखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उससे पहले एक बार समझ लीजिए, जब भी देखिए एक तो हो गया सबसे पहले पी जीरो का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे पी जीरो का मतलब यहाँ दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ है नेट प्रोसीड इन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जितना नेट प्रोसीड होगा वो हो गया पी जीरो। अब सम्स में मार्केट प्राइस दे रखा होगा और वहां दे रखा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब हुआ जब भी कंपनी रेज करेगी प्रेफरेंस शेयर के लिए फंड, जब भी कंपनी फंड रेज करना चाहेगी प्रेफरेंस शेयर से या किसी भी तरह से इक्विटी शेयर से, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट करना होता है, रेज करने टाइम में कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट करना होता है, और जो पैसा ब्रोकरेज के फॉर्म में हो सकता है, कमीशन के फॉर्म में हो सकता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब भी हम लोग नेट प्रोसीड निकालेंगे जिसे पी जीरो बोलते हैं, तो पी जीरो हम जब भी निकालेंगे हम लोग, तो उस टाइम में सबसे पहले मार्केट वैल्यू, तो ये जो हम लोग का मार्केट प्राइस होगा वो होगा ही, और इसमें से जो भी कमीशन हो गया ब्रोकरेज हो गया उसे बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो वो हम लोग को माइनस करना है। तो ये हम लोग का हो गया। तो देखिए एक तरह से दूसरा फॉर्मूला बोलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दें, जब भी यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा हम लोग को सम्स में, तो उस टाइम में हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे, तभी हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो वहां निकल के आ जाएगा नेट प्रोसीड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7।